नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर किसी के पास अपना खुद का चैनल है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करिए और लोगों को बताइए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे शरीर में काम करता है, क्या ऑक्सीजन की हमें सच में ज़रूरत है, जिसके लिए हम अंधाधुंध भाग रहे हैं अस्पतालों में, इतनी जो है किल्लत है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। आज ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से लगभग सभी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोन पोजीशन को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि प्रोन वेंटिलेशन का इस्तेमाल करें घर पर ही, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इस चीज़ को लास्ट ईयर नहीं बताया गया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लास्ट ईयर प्रोन पोजीशन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, इस साल ज़्यादा हो रही है। तो क्यों इस साल ज़्यादा हो रही है, क्यों लास्ट ईयर ज़्यादा नहीं हुई? लास्ट ईयर इसलिए नहीं हुई क्योंकि लास्ट ईयर इनफ ऑक्सीजन था हमारे पास, और अस्पताल वालों को अपना बिजनेस भी करना था, जिसके चक्कर में जो है उन्होंने नहीं बताया। देखिए कितनी दुविधा की बात है कि इस साल उनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरी में उन्हें बोलना पड़ रहा है कि सबको कि भाई आप घर पे प्रोन पोजीशन करो, और यहाँ पे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन, तो घर पे जितना आप कर सकते हैं करिए, नहीं हो पाएगा तो आप अस्पताल आइए। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी आप बीती कहानी कि हमारे घर में हमने किसी को खोया है और वेंटिलेटर पे जाने के बाद ही खोया है, उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। एक छोटी सी स्टोरी है हमारी, लास्ट अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है। मेरी एक्स मदर इन लॉ बाथरूम में गिर गई थी एक्चुअली, और उनके पैर में चोट आई थी, मोच आई थी, उनको फ्रैक्चर हो गया था। अस्पताल ले जाया गया, लगभग एक महीना वो अस्पताल में थी। मुझे एक महीने के बाद पता चला कि वो अस्पताल में है, और एक महीने के बाद उनको तबीयत थोड़ी उनकी ज़्यादा बिगड़ी, शायद दवाइयों की वजह से, मुझे नहीं पता किस कारण से, और उन्हें लाइफ सपोर्ट पे डाल दिया गया। लाइफ सपोर्ट पे मेरे ख्याल से वो दो दिन थी। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो बचेंगी, क्योंकि वैसे भी सबको पता है लाइफ सपोर्ट पे जाने के बाद कोई बचता नहीं है। तो शी वॉज सो स्ट्रांग कि वो वापस आ गई लाइफ सपोर्ट से, और वापस आने के बाद उनको नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा गया। मैं जब उनसे मिलने गई थी तब वो नॉर्मल ऑक्सीजन यूज़ कर रही थी। उस टाइम उनको डॉक्टर्स ने कहा कि उनके फेफड़ों में पानी भर रहा है, उनको निमोनिया हो रहा है, और उनके हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से, शी वॉज डायग्नोज विद अ 4-स्टेज लंग कैंसर, जो कि हमने कभी नहीं सुना था कि उनको कभी लंग्स में प्रॉब्लम हुई, कभी उन्होंने खांसी, कुछ नहीं। मतलब उनके पूरे परिवार वाले आश्चर्यचकित थे कि ये कहाँ से नई बीमारी आ गई इनको, मम्मी ने तो कभी बताया ही नहीं। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये लास्ट स्टेज पे पता चला है अभी, और मेरे मिलने के 2 या 3 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। तो ये तो मेरी मदर इन लॉ की कहानी थी। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑक्सीजन आपके बॉडी में जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जाता है तो वो कितना टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। आपको पता है एक इंसान जो है वो 1 मिनट में 7 से 8 लीटर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 21% ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में जाता है। जो हम वातावरण से जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 21% जाता है, जिसमें से हमारा खून जो है वो 5-6% जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और बाकी जो है हमारा बॉडी बाहर फेंक देता है, मतलब 15% तो बाहर निकाल देता है। अब जब हम वेंटिलेटर पे जाते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि हमारा बॉडी में जब ऑक्सीजन बहुत तेज़ी से जा रहा होता है और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जा रहा होता है, इससे क्या होता है कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है वो फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़ी तादाद में फ्री रेडिकल बनाते हैं। और 3 तरह के फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, हमारे बॉडी में बनते हैं, जिनमें से एक का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हम लोगों ने कई बार अपनी वीडियोज़ में शेयर किया है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। दूसरा है पेरोक्सी नाइट्रेट, तीसरा जो है ट्राईऑक्सीडेन। ये तीनों जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये कोशिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचाती हैं बहुत बुरी तरह से। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में चली जाएगी तो हमारे जो फेफड़ों की एल्बुलाई है वो फूल जाती है, हमारे फेफड़ों की एल्बुलाई फूल जाती है। और आपको पता है ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप कभी नोटिस करना उसमें पानी की क्वांटिटी होती है। तो सोचिए जब आप बहुत तेज़ी से अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन को,
बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आपका एल्बोलाई जो है वो स्वेलिंग होने के साथ साथ पानी भी उसमें भरने लग जाता है, और वो पानी भरने की वजह से निमोनिया का पेशेंट बन जाता है। जो पेशेंट होता है उसको निमोनिया हो जाता है, और बहुत ही रेयर चांसेस ऐसा होता है कि पेशेंट बच के बाहर आ जाए, ज़्यादातर पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो अस्पताल तो चलते फिरते गया और वहाँ जाने के बाद उसकी मौत हो गई। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में बनने लगते हैं, इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाता है, फेफड़े पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं, बच के चले आते हैं, लेकिन फेफड़ों से जो है उनको निमोनिया का शिकार हो जाते हैं, उनको वापस से रिकवर करने में लगभग सालों लग जाते हैं। और यकीन मानिए 99% जो लोग हैं, पेशेंट हैं, अगर वेंटिलेटर पे गए, ऑक्सीजन पे गए, लाइफ सपोर्ट पे गए, तो वो वापस नहीं आते हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस रफ्तार से ऑक्सीजन, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है एल्बुलाई में छोड़ी जाती है, लंग्स में छोड़ी जाती है, वो कितना ज़्यादा डैमेज करता है। मतलब सोचिए, आपके लंग्स में पानी भर गया, पानी जब भर जाएगा, ब्लॉक बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब होगा, बॉडी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती है। तो इस तरह से दम घुटने से लोग जो है वो मर जाते हैं। तो अगर आप ये सोच करके लेकर के जा रहे हैं अपने पेशेंट को कि हम चंद सांसें खरीद लेंगे अस्पताल से, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर रहे, आप बल्कि अपने पेशेंट की जान लेने के लिए उसको वहाँ लेकर के जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती आप मत लेकर के जाइए, आपकी इच्छा है, लेकिन जो सच है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो करना क्या है, जैसे ही आपको लगे कि आपके पेशेंट की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं प्रोन पोजीशन की, पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटा दीजिए, पंखे चालू कर दीजिए, घर के खिड़कियां दरवाजे खोल दीजिए, उसको स्वच्छ हवा आने दीजिए, ज़्यादा लोगों को घेरिए मत वहाँ पर, उसको खुली सांस लेने दीजिए, और धीरे धीरे उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन आप ऑब्जर्व करते रहिए। आपको थोड़े ही घंटों में पता लग जाएगा कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। जैसे ही वो प्रोन पोजीशन में उल्टा लेटेगा, हार्ट का प्रेशर नीचे आ जाएगा, लंग्स अपनी तरफ से पूरे जो ऑक्सीजन है उसको अंदर ले पाएंगे और छोड़ पाएंगे, क्योंकि जब आप ऑक्सीजन बाहर से देंगे, आर्टिफिशियल तरीके से देंगे, तो ब्रेन वो सिग्नल देना भी बंद कर देता है, लंग्स काम करना ही बंद कर देते हैं। तो जब आप बंदे को नॉर्मल एयर दे रहे हैं तो फेफड़े काम करते रहेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है एक दिन का वक्त लग जाए, लेकिन फेफड़े अपनी तरह से काम करेंगे, ढंग से काम करेंगे, और पेशेंट की जान नहीं जाएगी। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आपको अपने पेशेंट को प्रोन पोजीशन से ही बचाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे महारथी हैं जो कहते हैं कि बीआरसी सर की नाइस टीम जो है हर हॉस्पिटल के बाहर क्यों नहीं खड़ी होती है। तो आप लोग किस लिए हैं, आप लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या आप लोग अपने दोस्त परिवार रिश्तेदार में नहीं बांट सकते ये बातें? हर किसी का हर जगह होना पॉसिबल नहीं होता है। विश्वरूप जी भगवान नहीं है, इंसान है, और वो उनके कुछ इतनी बड़ी, उनकी इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो हर एक अस्पताल के बाहर लोग पंखा लेके खड़े रहें। इतनी समझ तो आपको भी होनी चाहिए। तो बजाय इस चीज़ का आप लोग मजाक उड़ाएं, आप लोग इसको सीरियस लीजिए और अपने अपने फैमिली में इसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ जान बचा सकती है। और मेरे घर में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ इसको लाइट मत लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा डेडली होता है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर वेंटिलेटर पे गया तो वापस आना नामुमकिन है। आप सोचिए, आपके पैसे जाएंगे, आपका परिवार का मेंबर जाएगा, और जो दुख होगा वो अलग से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने आस पड़ोस में लोगों को बताइए, समझाइए कि क्या हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसको इस्तेमाल करने से, प्रोन पोजीशन कितना सेफ है, कितना इफ़ेक्टिव है, ये सब कुछ बताइए लोगों को, करवा के दिखाइए, खुद भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।